अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह से चौंकाने वाला खुलासा किया है। ऑर्बिटर ने एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसको देखकर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैरान हैं। ये आकृति पत्थरों पर खुरच कर बनाई गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी आकृति कैसे बनी और इसे किसने बनाया है। नासा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की चट्टान पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है। ये चेहरा एक भालू जैसा दिख रहा है। तस्वीर में इसकी बटन जैसी दो आंखें दिख रही हैं, साथ ही इसका चेहरा ऊपर की ओर है। नासा के रिकॉनिसेंट ऑर्बिटर के कैमरे ने 12 दिसंबर 2022 को इस तस्वीर को खींचा था। जिस दौरान ये तस्वीर खींची गई तब ऑर्बिटर 291 किलोमीटर ऊपर था। बीते 25 जनवरी को एरिजोना यूनिवर्सिटी ने इसकी फोटो शेयर की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मंगल ग्रह पर सच में किसी ने भालू की तस्वीर बनाई है। यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में बताया कि संभवतः यह एक प्राचीन क्रेटर की टूटी फूटी पहाड़ी है। तस्वीर में एक बड़ा गोल दरार दिख रहा है जो इसका सिर बनाता है। इसके बीच में वी आकृति है जिससे इसकी नाक बन रही है। गोले के अंदर ही दो बटन जैसे धब्बे हैं जिसके कारण ये देखने में आँख की तरह दिख रहा है। तस्वीर में धूल भरी चट्टानों और दरारों के बीच भालू का चेहरा दिखाई दे रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसी आकृति पेरिडोलिया नाम की एक घटना के कारण होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें लोग अपनी इच्छा के मुताबिक चीज़ों में आकृति देखते हैं। जिस संगीत को वो समझ ना सकें उसमें भी उन्हें मन मुताबिक अपने हिसाब से शब्द सुनाई देते हैं। अंतरिक्ष में पेरिडोलिया की घटनाओं के लिए अनंत तस्वीरें हो सकती हैं। बता दें कि नासा एक न्यूक्लियर शक्ति से चलने वाला रॉकेट बनाने में लगा हुआ है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी तक मंगल ग्रह पर जाने में लगभग 7 महीने का समय लग जाता है, लेकिन इस रॉकेट के जरिए हम बहुत ही स्पीड से मंगल ग्रह पर जा सकेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि एस्ट्रोनॉट के लिए ये यात्रा तेजी से हो। नासा को उम्मीद है कि वो इस तरह का थर्मल रॉकेट इंजन 2027 तक बना लेंगे। इसके बनने से वैज्ञानिकों को अध्ययन करने में और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।